YouTube चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का जो आज मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है और ये हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सभी क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स के होते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के एंड आपको 3 आवर्स मिलते हैं करने के लिए। तो सेक्शन ए का मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो सेक्शन ए में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा घ यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है करेक्ट आंसर है वो है ग यानी कि जेरुसलम। हॉलीलैंड का किसे कहते हैं? जेरुसलम को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका करेक्ट आंसर है ख, ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता मूल्य और बिक्रियों के पर नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। इसका जो है खा भी हो सकता है लेखन कला का विकास, लेकिन जो नगरीय सभ्यता है और सुदूर देशों का व्यापार ये दोनों भी होता था मेसोपोटामिया में, तो ये भी इन दोनों की विशेषता होगी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ही होगा 100%। एंड इससे पहले वाली वीडियो में मुझे कन्फर्म नहीं था तो मैंने बोला था शायद इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा, बट मैंने अच्छे से चेक कर लिया है इसका करेक्ट आंसर आपका यही होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो आता है उसमें करेक्ट आंसर है पेपायरस। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है सुमेरी। क्वेश्चन नंबर 7 में मैचिंग थी तो उसका करेक्ट आंसर है का यानी कि फर्स्ट का बी करेक्ट है, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। एंड यहाँ पर आ जाता है अब क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि स्टेटमेंट दे रखी थी जो कि गलत थी, उसको आपको करेक्ट करके लिखना था। तो स्टेटमेंट में क्या था? अब्बासियों ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका करेक्ट हो के आंसर हो जाएगा अब्बासियों ने दमिश्क को काट के बगदाद आएगा, जिस जो कि मैंने लिख रखा है अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था क्वेश्चन नंबर 9 में। और 10, 11, 12 ये सब फिलिंदा ब्लैंक्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा रोटी देने वाला, जो लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है मुस्लिम धार्मिक कानून को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है शरिया, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो गिलगेमिश ने उरूक नगर पर शासन किया था, तो आपको यहाँ पर उरूक लिखना है क्योंकि गिलगेमिश ने कहाँ शासन किया था? उरूक नगर में ही। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जो आंसर है वो है कुस्तुनतुनिया। सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने अपनी दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया में स्थापित करी थी। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं राइट और रॉन्ग यानी कि ट्रू फॉल्स। तो 13 का और 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू एंड 15 और 16 का रॉन्ग होगा यानी कि फॉल्स। और जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया आजकल ईरान गणराज्य का हिस्सा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ट्रू करके आ जाते हैं बिकॉज यहाँ पर जो है ईरान लिखा हुआ है। बट जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेसोपोटामिया आजकल ईरान का नहीं है, इराक गणराज्य का हिस्सा है इराक। तो ईरान और इराक में कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, बट आपको याद रखना है जो मेसोपोटामिया है वो वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है, ईरान का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो 15 और 16 का रॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक इमेज दे रखी थी, आपको उस इमेज का नाम लिखना था। तो जो इमेज थी वो एक चर्च की थी जिसका नाम था कैथेड्रल चर्च, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट होते हैं उनका ये क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गा यानी कि सीरिया, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि जो सेक्शन आपका बी है उसका क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पिक्चर दे रखी थी एंड एनी 2, 3 आपको क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन दे रखे थे। तो यहाँ पर 18.1 का जो करेक्ट आंसर है वो है खा यानी कि जो ये पिक्चर है ये एक सम्राट की है। 18.2 है उसका करेक्ट आंसर है सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन है, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? कुस्तुनतुनिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ। 18.3 का करेक्ट आंसर है केवल 2, 3 और 4 सही है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर खा वाला होगा। 18.4 का करेक्ट आंसर होगा का यानी कि तुर्की में जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है जिसकी इमेज थी ऊपर, उसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थित, उसके द्वारा स्थापित दूसरी राजधानी स्थित है वर्तमान में, अब कहाँ पर है जो उसकी दूसरी राजधानी थी? तो अब तुर्की में है वो, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम्स के स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए ये दे रखे हैं, सब आंसर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होते हैं। एंड यहाँ पर जो है फिर आपका आ जाता है जो कि विजुअली इम्पैर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 18 क्वेश्चन। अब हम आते हैं डायरेक्ट 19 क्वेश्चन पे। तो 19 क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दे रखा था, उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन ही करने थे। तो 19 ये एक पैराग्राफ था जो कि लॉर्ड का था, जो कि ज़मीन के मालिक हुआ करते थे और ज़मींदार भी होते थे।
तो 19.1 का आपका करेक्ट आंसर अप्रोक्स अभी, क्योंकि जो नाइट है इस कविता में ये दर्शाया है, क्योंकि नाइट जो है वो नाइट का साहस भी दर्शाया है, लॉर्ड जो है वो नाइट का संबंध, इन दोनों का जो संबंध होता था लॉर्ड और नाइट का, ये संबंध भी दर्शाया है, नाइट की स्वामी भक्ति भी दर्शाई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 19.2 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी सही, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ। 19.3 का करेक्ट आंसर है क। 19.4 का करेक्ट आंसर है ग, सामंतवादी व्यवस्था। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ था एंड एनी 3 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर नैबोनिडस जो था उसको बताना था 20.1 में। नैबोनिडस कौन था? नैबोनिडस जो था वो बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ग। 20.2 का है का आंसर, यानी कि उसने मारी पर शासन किया था नैबोनिडस ने, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब आपको क्या बोलना था, 20.2 में ये बोला है कि नैबोनिडस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य, यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको पहचान के उस पर टिक लगाना था। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और बाकी सब राइट है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है का वाला। 20.3 में है अजर्शन एंड रीज़न, यानी कि कारण और कथन दिए हुए होते हैं, तो आपको पहचानना होता है कि कारण और कथन में से कौन से सही हैं, और कारण जो है वो कथन का यानी कि स्टेटमेंट का रीज़न करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है घा, यानी कि जो कथन और कारण हैं वो दोनों ही सही हैं, और जो कारण है वो कथन का बिल्कुल करेक्ट कारण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका घा। 20.4 का आपका करेक्ट आंसर होगा का, यानी कि अक्कद का। सार्गोन किसका राजा था? अक्कद का था, एंड यहाँ पर सेम इंग्लिश में आ जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन जो हमारा सी एंड डी है, तो उसमें आपको 3 मार्क्स एंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर दे रखे थे, जिसके जो आंसर्स हैं मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको 1 मार्क्स वाले सभी आंसर दिखा रही हूँ, जो कि पैसेज से एंड जो एफलिन द ब्लैंक्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखा रही हूँ एंड इसके हम लास्ट में आपको आंसर दिखा देंगे, जो कि लिखे हुए हैं, आपको आसानी से दिख जाएंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, दोनों मीडियम में लिखे हुए हैं। तो सी एंड डी दोनों सेक्शन का हम आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है, यानी कि सेक्शन ई का जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका आंसर। यहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर का एक पैराग्राफ दे रखा था आपको, क्वेश्चन इसमें से जो थे क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आपको इसमें से आंसर ढूंढ के लिखने थे। तो 28.1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिजरा, यानी कि क्वेश्चन में था हिजरी सन का संबंध पैगंबर मोहम्मद की किस यात्रा से था। तो किस यात्रा से था? हिजरी सन के जब पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़ के मदीना गए थे, तो वो यात्रा जो है हिजरा कहलाती थी। तो आपको यही लिखना था इस क्वेश्चन में। 28.2 का करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं सबके आंसर्स फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक। क्वेश्चन नंबर 28.3 वाला उसका करेक्ट आंसर होगा हिजरी वर्ष जो कहलाता है, कौन सा वर्ष कहलाता है? चंद्र वर्ष। तो आपको ये लिखना है, फिर आपको लास्ट में इसके त्यौहार लिखने हैं, जो कि हैं रमज़ान के रोज़े, ईद, हज, ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ये होगा। अब यहाँ पर सेम इंग्लिश में दे रखा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जो कि वॉर का शीर्ष से रिलेटेड है, वॉर का शीर्ष। तो इसमें भी 3 दे रखे हैं क्वेश्चन। 29.1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उरूक नगर, यानी कि स्त्री का जो सिर किस नगर में बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उरूक नगर में। 29.2 का करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक। 29.3 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ये मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, ये आपको लिखना था इसमें। और अब हमारा आता है जो मैप था, मैप आया था स्टूडेंट क्लास 11 के स्टूडेंट का, तो उसमें जो मैप था वो तो चला गया है, बिकॉज जैसे स्टूडेंट का पेपर है मैप तो चला ही जाता है, क्योंकि लास्ट पेज में मैप होता है तो वो उसमें ही फिल करके देना होता है। तो यहाँ पर मैप के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हैं प्रेजेंट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैप के जो क्वेश्चन में 31st क्वेश्चन था मैप का, एंड 31.1 का जो था मैप बेबीलोन और मारी आपको बताना था मैप में कि कहाँ कहाँ हैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी मैप में। और यहाँ पर 31.2 में लिखा था ए और बी टिक थे, तो आपको वो पहचान के लिखने थे। तो इसका जो आंसर है वो इसी मैप में है, चैप्टर सेकंड। अगर आप एनसीईआरटी बुक में अपना खोलते हैं तो वहाँ पर चैप्टर सेकंड लेखन कला जो है चैप्टर आपका
उसी के स्टार्टिंग में ये वाला मैप दे रखा है। तो इसके जो रेड रेड आपको हाईलाइट हुए हैं, मुझे हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर खुद ही हाईलाइट हुए हैं। जो जो रेड कलर के हैं वही आपको टिक लगाने थे मैप में। तो यही आया था जो आपको लगाना था, ए एंड बी जो लिखा हुआ था, ए एंड बी। तो यहाँ पर उरूक और उड़ था, और मारी और बेबीलोन आपको बताना था कि कहाँ पर है। तो मारी और बेबीलोन को आपका नाम भी लिखना था और आपको पॉइंट भी लगाना था वहाँ पर कहाँ का ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं अपना सेक्शन जो हमारा सी और डी के, जो हमने आंसर्स नहीं देखे थे उनके आंसर, जो कि हमारा सी के जो आंसर्स थे वो 3 मार्क्स के थे एंड जो डी के आंसर थे वो 8 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 22 का भी है, 23 का भी है, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। 23 का आंसर ये रहा, 24 का भी है, इंग्लिश एंड हिंदी मैनर की जागीर का के बारे में बताना था। तो ये रहा इसका आंसर। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको कमेंट में मिल जाएगी, मैंने पिन कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये रहा इंग्लिश में एंड ये हिंदी में। ये जो ये वाले क्वेश्चन है लास्ट के सेक्शन जो डी के क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के थे, तो आपको ज़्यादा ही लिखना होता है, कम से कम एक पेज तो लिखना ही होता है आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसलिए लॉन्ग है क्योंकि 8 मार्क्स थे ये भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा ही बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट से ले सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।